हेलो फ्रेंड्स, सो कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हमने एसएससी जेई के बारे में एक डिटेल में एनालिसिस किया कि क्या उसका सिलेबस होता है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, और उसमें भी जो सिलेबस को हमने सब टॉपिक में डिवाइड किया कि किस पोर्शन को हम कम पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब जैसे वो तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो उसमें हम लोग आरआरबी जेई के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो आज का जो हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो आरआरबी जेई के ऊपर रहेगा कि इसका भी क्या पैटर्न होने वाला है एग्ज़ाम का, क्या इसमें सिलेबस पूछते हैं, और उन सिलेबस में जो अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनका क्या वेटेज रहता है। तो चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं आरआरबी जेई के लिए। देखिए, तो जो अपना हमारा जो आरआरबी जेई का एग्ज़ाम है, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम भी जो होता है इसमें भी दो स्टेज होते हैं। क्लियर है? एक हमारा होता है पेपर वन और दूसरा जो होता है हमारा पेपर टू। जो पेपर वन है उसको एक्चुअली सीबीटी बोला जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। क्लियर है? तो ऑब्वियसली कंप्यूटर और दोनों जो पेपर है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। मतलब आरआरबी में, एसएससी जेई में पहला पेपर एक प्रीलिम्स जैसा होता था कि जस्ट हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते थे और उसको हमें टिक करना था, और उसके बेसिस पे निगेटिव मार्किंग था और हमें एक कट ऑफ फाइंड आउट करना था। देन सेकेंड स्टेज में हमारा क्या होता था, मेंस का पेपर होता था। लेकिन ये आरआरबी जेई में जो दोनों पेपर होता है, दोनों पेपर का जो मोड होता है वो हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। और दूसरा जो अगर मैं डिफरेंस का बात करूं, जो आरआरबी जेई था उसमें केवल तीन ब्रांच ही एलिजिबल रहते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल। ये एसएससी जेई का बात की हम लोग कि जिसमें तीन ब्रांच ही केवल एलिजिबल रहते हैं, जबकि आरआरबी जेई में सारे ब्रांचेज, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, सिविल, मैकेनिकल, सारे ब्रांचेस, जितने भी आप ब्रांच, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, जहां से भी आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड से आप डिप्लोमा कर रहे हैं, उन सब के लिए आरआरबी जेई का एग्ज़ाम जो है वो ओपन रहता है। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है ये हम ये बोल सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट के लिए ओपन है, और एज वेल एज तो कॉम्पिटिशन तो थोड़ा ज़्यादा रहेगा ही रहेगा। प्लस इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि दोनों पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में कहीं ना कहीं हमें एक एज मिलता है कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हम एक गेस कर सकते हैं। लेकिन जो वही पेपर जब रिटेन हो जाता है तो रिटेन में आपको एक ओवरऑल एनालिसिस, मतलब एक ओवरऑल उस इन डेप्थ नॉलेज जरूरी रहता है कि जो आप लिख रहे हैं तो उस लिखने के पैटर्न से एग्जामिनर आपके सारे बॉडी लैंग्वेज, आप कितना नॉलेजेबल हो वो पहचान लेता है। बट यहाँ पर हमें एक एडवांटेज ये मिलता है कि दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो इस पर्टिकुलर आरआरबी जेई का क्या पैटर्न है। क्लियर है? तो जैसे कल हमने डिस्कस किया था, सेम उसी पैटर्न के साथ डिस्कस करते हैं कि जैसे देखिए आरआरबी जेई का अगर हम बात करें तो सबसे पहले पेपर वन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पेपर वन के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये जो पेपर वन होता है ये टोटल जो है इसमें 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। क्लियर है? और इसमें जो ड्यूरेशन जो रहता है हमारा वो 1.5 आवर का ड्यूरेशन रहता है। तो 100 मार्क्स 90 मिनट आपको मिलेंगे, 1.5 आवर मिलेंगे। क्लियर है? अब ये जो पर्टिकुलर जो पेपर है इसमें अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक, और इसमें देखिए उसमें हम लोग एक गेस कर रहे थे कि हाँ यहाँ से इतना क्वेश्चन आ सकता है, या वो एक एवरेज लिए थे, जबकि यहाँ पे डायरेक्ट लिस्टिंग दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर एरिया से इतना क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाएंगे। तो जो पेपर वन का जो पहला जो टॉपिक है वो हमारा मैथ्स रहता है, मैथमेटिक्स रहता है। इसमें डायरेक्ट 30 क्वेश्चन रहते हैं, 30 मार्क्स के रहते हैं। जो दूसरा जो हमारा रहता है वो हमारा रहता है साइंस का, इसमें भी क्या रहता है हमारा 30 क्वेश्चन रहते हैं। क्लियर है? 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के लिए रहते हैं। देन इसके बाद जो हमारा होता है वो जनरल अवेयरनेस का पेपर होता है, या मैं इसको पूरा लिख देता हूँ जनरल अवेयरनेस को, इसमें जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स के होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और 50 मार्क्स इसमें अलॉटेड रहेंगे। जो दूसरा है वो हमारा जनरल इंटेलिजेंस,
या इसको रीजनिंग भी बोलते हैं, उससे होने वाला है, जिसमें हमें 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देखिए 30, 30, 60 और ये 40, तो टोटल हमारे कितने हो गए? 100 हो गए, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स हो गए। तो ये हमारा पेपर वन का पैटर्न है। अब देखिए, अब ये जो एग्ज़ाम है ये निकालना क्यों हमारे लिए ईजी है? हम एज अ टेक्निकल बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, 10th तक तो मैथमेटिक्स हमें आता ही आता है, और अगर हम और प्रैक्टिस करें तो इसमें हम एक अच्छा कमांड ले सकते हैं। साइंस भी 10th तक ही पूछेगा, तो साइंस में भी हम फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो ऑब्वियसली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग लाइन में आए हैं तो ये दोनों पोर्शन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। हमें बस वर्क किस पे करना रहेगा? बायोलॉजी के ऊपर करना रहेगा, और वो भी कहाँ तक? 10th तक की बायोलॉजी। तो ये जो 60 मार्क्स है, तो इसमें तो आप अच्छे से, मतलब अगर आप 6th से लेकर 10th तक के कोई भी NCERT बुक को और अच्छे से करेंगे, प्लस आपको एक गाइडेंस भी मिल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन ये वाला ज़्यादा पूछ रहा है, तो आप अच्छा यहाँ पर स्कोर कर लेंगे। फिर ये जनरल जनरल इंटेलिजेंस है, ये भी हमारे हाथ में है। तो देखिए टोटल आप देख रहे हैं तो 60 और 25 टोटल 85 क्वेश्चन तो हमारे जस्ट एक क्या बोला से एप्टीट्यूड बेस्ड टेस्ट हो गए। मैथ साइंस और जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, मैं टेक्निकल वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैं एप्टीट्यूड टेस्ट बोलता हूँ, क्योंकि ये हमें तो यार ये बेस होते हैं, ये तो हमें आने ही चाहिए। बस हम लोग फंसेंगे कहाँ पे? जनरल अवेयरनेस। अब उसके लिए मैं हूँ जनरल अवेयरनेस में, मैं आपको 50 में से अगर एक कम से कम वीडियो बना के मैं आपको 10 क्वेश्चन टिक मतलब सही करवा सकता हूँ। ये मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो आपको मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम होने वाले हैं। पॉलिटी में भी हमें पूरे पॉलिटी नहीं कवर करने होंगे, अगर आप कल के लेक्चर अगर मेरा देखे होंगे तो उसमें मैं जनरल अवेयरनेस को एक डिटेल में डिस्कस किया है, कि जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, क्लियर है, आर्ट एंड कल्चर हो गए। तो उसमें भी हमने क्या किया है, वो टॉपिक, वो प्रोबेबल टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, और उसको भी कैसे एक चार्ट फॉर्म में हम लोग तैयार करेंगे वो हम कल वाले वीडियो में डिस्कस किए थे। आप जाके देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में हमने क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए थे। तो देखिए ये वाला जो 50 वाला जो 50 क्वेश्चन है वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स दिला दूंगा। बाकी ये वाला पोर्शन हमें बेसिक नॉलेज पता ही है, और साथ में हम मिल के साथ में रगड़ के तैयारी करेंगे और एक अच्छे गाइडेंस के साथ करेंगे, तो इसमें भी हम एक अच्छा मार्क्स लेके आएंगे, और बेस तो है ही हमारा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस वाला पेपर में, पेपर वन में हमारा कंपेरेटिवली जो हम एज ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये रहा हमारा पेपर वन का एनालिसिस, 100 मार्क्स का रहेगा, 1.5 मतलब कि आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 मार्क्स भी रहेंगे। यहाँ पे मैं मार्क्स भी इंडिकेट कर दे रहा हूँ कि 30 मार्क्स मतलब हर एक क्वेश्चन एक मार्क्स को डिनोट करेगा, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, तो टोटल यहाँ पे हमारे 100 हो गए। और यहाँ पे देखिए जो SSC JEE वाला था उसमें जो हमारा जो कट ऑफ था वो 1/4 था, लेकिन इसमें जो हमारा जो एक क्वेश्चन नेगेटिव का 1/3 होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो हमारा जो कट ऑफ है, सॉरी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 हो जाता है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अगर हमें पता है उसी को हमें अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? अब हम लोग आते हैं सेकेंड पेपर टू के ऊपर, कि ये पेपर टू का क्या पैटर्न रहेगा। तो देखिए जो पेपर टू हमारा रहेगा वो जो रहेगा वो 2 आवर का रहेगा, और इसमें 150 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। ये हमारा कितना था? 100 मार्क्स का था, 90 मिनट दिए गए थे, ये 2 आवर मिलेंगे और हमारे 150 मार्क्स अलॉटेड रहेंगे, जिसमें कि जो 100 नंबर रहता है वो डायरेक्ट टेक्निकल का रहता है। टेक्निकल से डायरेक्ट 100 मार्क्स के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन अभी हमारा बचा हुआ है, तो हमने ये सोचा कि पहले हम लोग जो जब सबके लिए जो कॉमन है उसका लेक्चर बना लें, उसके बाद टेक्निकल, तो जैसे सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कैसे हम टेक्निकल पोर्शन को बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं, उसका आगे आने वाले जो लेक्चर रहेंगे उसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर है? तो देखिए इसमें 150 में आपको तो 100 मार्क्स डायरेक्ट टेक्निकल से मिलने वाले हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आपने तैयारी किया हुआ है तो उसका वहाँ पे एडवांटेज मिल जाएगा। बोलिए कैसे?
वो ऐसे मिलेगा, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछ रहा है 15 मार्क्स का, ये सेम चीज़ वहाँ पर रिपीट होने वाले है। यानी कि हमें क्या मिलने वाले है, जनरल अवेयरनेस का भी यहाँ पे 15 मार्क्स को यहाँ पे डायरेक्ट हमें मिलने वाले हैं। अगर इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारा ये तैयार हो गया है तो वो हमारा यहाँ पे भी काम आने वाला है, पेपर टू में भी काम आने वाला है। क्लियर है। इसके बाद देखिए ये साइंस है, तो यहाँ पे साइंस में हम तीन चीज़ पढ़ रहे थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। क्लियर है। अब यहाँ जो पेपर टू में हमें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना होगा, फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री पढ़ना होगा, और वो कितने मार्क्स के रहेंगे, 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों जो क्वेश्चन मतलब टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमको 30 मार्क्स यहाँ भी देने वाले हैं। तो अगर मेरा टेक्निकल अच्छा है और ये यहाँ पे मैं अच्छे से तैयार करके रखा हूँ तो यहाँ पे मेरा एडवांटेज रहा। अब इसके बाद देखिए ये जो जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें मैं आपको बताया था कि हम लोग जियोग्राफी और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि क्योंकि मैंने कल भी डिस्कस किया था कि आजकल इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, हर जगह पे दो कंट्री आपस में रिसोर्सेस के लिए, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। क्लियर है। तो इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि हर एग्ज़ाम में उसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे इतना आप सिग्निफिकेंस ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ से अलग से 10 नंबर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, पोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो यानी यहां पे हमें क्या पढ़ना होगा, बेसिक एनवायरनमेंट प्लस पोल्यूशन, पोल्यूशन के ऊपर में डायरेक्ट हमें 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। और ये जो 15 मार्क्स यहाँ पे जनरल अवेयरनेस हो गए और ये 10 मार्क्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग एनवायरनमेंट बहुत डिटेल में कम टॉपिक में ज़्यादा अच्छा, क्योंकि देखिए ये यूपीएससी में आप देखेंगे तो एक अलग से एक बहुत बड़ा ये सिलेबस होता है, तो उसको हम लोग कैसे कंसाइज और कैसे एक कंसाइज वे में चार्ट में तैयार करें कि आप कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। क्लियर है। जैसे नेशनल पार्क हो गए जो न्यूज़ में रहेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रहेंगे, तो अगर आप न्यूज़ अच्छे से पढ़ते रहेंगे ना तो आप आराम से गेस कर पाएंगे कि एग्ज़ाम में तो ये वाला नेशनल पार्क या ये इस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ के बारे में आने ही आने वाला है। क्लियर है। जो अलग अलग रामसर साइट होते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉन्ट्रावर्सी हो जाती है वहाँ पे, कोई अगर डैम बनने लगा है या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई बर्ड आ रहे हैं, स्वाइन फ्लू के कारण वहाँ बर्ड मर जाते हैं, अगर वो न्यूज़ में, तो ये मान के चलिए कि 200% चांस है कि उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के, उस पर्टिकुलर जो लेक के बारे में, कैनाल के बारे में या रामसर साइट के बारे में पूछेगा ही पूछेगा। तो यहाँ पर हम न्यूज़पेपर से अगर हम लोग अवेयर रहें, और ऑब्वियसली अगर आप नहीं रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आपको अवेयर कराएंगे यहाँ पे कि कैसे इन्वायरमेंट के ये जो 10 में से आप एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन तो आप ले सकते हैं। हम लोग अच्छे से एक लिस्टिंग तैयार करके कंपाइलेशन आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आराम से आप इसमें 8 मार्क्स कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में हमें एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर के बारे में, और ये कंप्यूटर भी एक बेसिक कंप्यूटर रहेगा जिसमें आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब टोटल कितने हो गए, 15 और 15 30 30 और 20 50। मतलब जो पेपर वन का जो रहने वाला है टेक्निकल, डायरेक्ट हमारे 100 मार्क्स के आएंगे, जिसको कि हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है और लेंगे ही ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स। और बाकी यहाँ पे अगर हमारा तैयार है ये वाला दोनों पोर्शन तो वो एज इट इज़ 30 मार्क्स हमको वहाँ पे मिलेंगे, 30 नहीं तो कम से कम 20-25 तो हम ले ही आएंगे अगर हम लोग यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेज को क्वालिफाई किए हैं। तो ये 10 मार्क्स भी इसी में आप जोड़ लीजिए कि अगर आप जनरल अवेयरनेस पढ़ रहे हैं तो उसी में ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम लोग जनरल अवेयरनेस में ही एक अच्छे से कम टॉपिक को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो ये मान के चलिए कि 40 मार्क्स यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये मिलने वाले हैं, और कंप्यूटर के बारे में भी, और वो बेसिक कंप्यूटर होता है। हमारा स्ट्रेटजी रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड उसको कंपाइल करेंगे, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि जहाँ से क्वेश्चन की पूछने की प्रोबेबिलिटी है उसको हम लोग करेंगे, तो आराम से ये 10 में से 10 भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, और बहुत सी चीज़ें तो हम लोग बिना पढ़े भी 5 से 6 ऐसे टिक कर सकते हैं, इतना तो हमें बेसिक नॉलेज होता ही होता है। तो देखिए ये हमारा एनालिसिस रहा है आरआरबी जेई के बारे में, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और अवेयर कराना चाहता हूँ कि देखिए किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेस्ट सबसे अच्छा आपका फ्रेंड होता है कि आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए,
एक बार आपने सिलेबस उसमें गो थ्रू कर लिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ऑब्वियसली सिलेबस वाला पोर्शन तो हमने यहाँ पे दो लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद आपका दूसरा काम क्या रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें निकालिए। अब अभी मान लीजिए आपका वो पर्टिकुलर जो सेमेस्टर चल रहा है, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर में जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट अभी करेंट में चल रहे हैं, तो आप देखिए कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो आप पढ़ रहे हैं क्या उसे क्वेश्चन आए हुए हैं, और अगर आए हुए हैं तो कितना डिटेल में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार अपने आप को प्रिपेयर करिए। क्लियर है? अचानक से किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी आप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। और ऑब्वियसली अभी ये कोविड है तो हम लोग डायरेक्ट फेस टू फेस तो नहीं मिल सकते, लेकिन ऑब्वियसली ये कंडीशन ख़त्म होगी फिर हम लोग मिलेंगे भी, बट अभी हम लोग आपको ये ऑनलाइन मोड में ही अच्छे से गाइडेंस करते रहेंगे कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो मेरे तरफ से आपका ये रहेगा कि सबसे पहले आप सिलेबस निकाल लीजिए और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आप अपने पास रखिए, और ये अगर आप दो रख लेते हैं तो देन आगे आने वाले वीडियो में आपको और ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है कि एक टोटल जो एक सबके लिए जो कॉमन होता है, जो नॉन टेक्निकल में बोल सकता हूँ पोर्शन, वो कैसे तैयार करना है। बाकी जैसे देखिए जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक तैयार करना है, क्योंकि वो अगेन रिपीट हो जाएगा, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया है तो वो हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में भी कुछ 8 से 10 टॉपिक हमने डिस्कस किया है, वो सेम रहने वाले हैं। बस हमने ये देखा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारा वीडियो किस पे रहने वाला है कि जो अलग अलग ब्रांच है, जैसे सिविल है तो सिविल में भी किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा वेटेज देता है SSC JEE एज वेल एज RRB JEE, तो उसके ऊपर हमारा लेक्चर होने वाला है। तथा कुछ स्टूडेंटों का कुछ ऐसा भी डाउट है कि सर क्या प्लान होना चाहिए हमारा आफ्टर डिप्लोमा कम्प्लीट होने के बाद, तो उसके ऊपर भी हम एक करियर अपॉर्चुनिटी के ऊपर वीडियो बनाएंगे कि अलग अलग ब्रांच का कहाँ पे वो आफ्टर डिप्लोमा परस्यू कर सकते हैं और अपने कैरियर को एक अच्छा बूस्टअप दे सकते हैं। क्योंकि देखिए कैरियर हमें पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। हमेशा लाइफ में एक शॉर्ट टर्म गोल होगा, शॉर्ट टर्म गोल अभी क्या होगा कि हम कैसे सेमेस्टर को कंप्लीट करें, कैसे हम डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसको अच्छे से अच्छे मार्क्स से पार करें। लेकिन एक लॉन्ग टर्म गोल भी होना चाहिए जो हमें पहले से प्रिपेयर करना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना होगा। तो अगला जो लेक्चर रहेगा वो हम लोग कवर करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी होगा, कैरियर अपॉर्चुनिटी होगा हमारे डिप्लोमा स्टूडेंट का, और दूसरा चीज़ रहेगा कि टेक्निकल का क्या वेटेज है और उसको हम कैसे तैयार करें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।